तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। साउथ सुपरस्टार अनिल अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द राइज का ये गाना इस समय सोशल मीडिया पर लोगों का फेवरेट बना हुआ है। इस गाने पर टॉर्च से लेकर आम लोग वीडियो और रील्स बनाकर वायरल कर रहे हैं। वहीं अब इस गाने पर रानू मंडल ने भी जोरदार डांस किया है। जी हाँ, वही रानू मंडल जो बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर गाना गाकर 2 साल पहले फेमस हुई थी। हाँ, वो बात अलग है कि पुष्पा फिल्म के इस गाने पर रानू का डांस वीडियो देखकर लोग लोटपोट हो रहे हैं। दरअसल रानू मंडल भले ही इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन रानू के कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। वहीं इसी बीच अब एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं। हाल ही में रानू मंडल पुष्पा फिल्म के गाने श्री वल्ली पर डांस करती दिखाई दी। वीडियो में रानू मंडल अल्लू अर्जुन के हुक स्टेप्स को कॉपी करती नजर आ रही हैं। रानू का ये डांस वीडियो देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं और इस वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कई लोगों ने रानू का मजाक बनाते हुए वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस वीडियो को अल्लू अर्जुन तक जरूर पहुंचाना है। बता दें कि हाल ही में रानू कच्चा बादाम गाना गाती दिखी थी, जिसे पश्चिम बंगाल के मूंगफली विक्रेता भुवन बडियाकर ने गाया था। सिर्फ कच्चा बादाम गाना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी मनी के मागे हिते, एक हजारों में मेरी बहना है और सहदेव दिर्दो और बादशाह के बचपन का प्यार गाने को भी रानू मंडल गाती दिखी थी। उस समय उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। मेरी जानी बन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जानी मेरी जानी मन, मेरी जानी बन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। गौरतलब है कि रानू मंडल साल 2019 में तब चर्चा में आई थी जब रानू राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर के मशहूर गीत एक प्यार का नगमा है कर गाते दिखे थी। उसके बाद रानू रातों रात इंटरनेट पर छा गई थी। देखते ही देखते इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू को गाने का मौका भी दिया और रानू रातों रात लाइमलाइट में आ गई। म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया ने अपनी मूवी हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए उनसे 2 गाने रिकॉर्ड भी करवाए और वह मशहूर हो गई थी। फिल्म का गाना तेरी मेरी कहानी काफी हिट हुआ था। कई सेलिब्रिटीज ने भी उनके गाने की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, फिल्म तेरी मेरी कहानी के गाने हैप्पी हार्डी एंड हीर के लिए रानू को करीब 6 से 7 लाख रुपए की फीस ऑफर की गई। हालांकि हिमेश जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद जिस तरह की पॉपुलैरिटी मिली, उतनी ही तेजी से वो गुमनाम भी हो गईं, क्योंकि लोगों का कहना था कि रानू मंडल अपने ही घमंड का शिकार हुई। रानू मंडल को चुटकियों में जो फेम मिला था, उसे वो अपने घमंड की वजह से संभाल नहीं पाई। रानू को कई बार फैंस और मीडिया के साथ भी बदतमीजी करते देखा गया था। रानू का स्टारडम ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ समय पहले खबर आई थी कि रानू मंडल के जीवन में फिर से अंधेरा छा गया है। कुछ लोग तो रानू के ऐसे हालत का जिम्मेदार उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम बताते हैं। रानू के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह से रानू रातों रात स्टार बनी और कुछ ही घंटों में ऊंचाइयों पर पहुंच गई, उसने उन्हें अहंकारी बना दिया। बहरहाल अब रानू लाइमलाइट से दूर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपना नया घर छोड़कर राणाघाट के पुराने घर में चली गई हैं। रानू मंडल के पास इस समय कोई काम नहीं है। बॉलीवुड में कोरोना वायरस के चलते काम न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो गई है।